राजधानी भोपाल की शान रानी कमलापति की मूर्ति के सामने बीते दिनों एक अज्ञात युवक ने वीडियो बनाया था, जिस पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा भड़क उठे। उन्होंने वीडियो को अश्लील बताते हुए युवक के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। भोपाल में रानी कमलापति की मूर्ति के सामने एक युवक ने अश्लील वीडियो बनाया। आरोपी का नाम जीतेन बताया जा रहा है, जो कि 23वीं बटालियन में कार्यरत है। वीडियो बनाने वाले युवक पर भोपाल सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाने की मांग की। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण शारी का कहना है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। रानी कमलापति शहर की रानी थी, पुराने शहर में कमला पार्क पे उनका महल भी है और उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को आने वाली पीढ़ी समझ सके, इसके लिए हमने परिषद से संकल्प पारित करके उनकी प्रतिमा छोटे तालाब पे लगाई है। 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने रानी कमलापति आर्च ब्रिज भी बनाया है, परंतु पिछले दिनों 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक कतिपय व्यक्ति फुवर तरीके से डांस कर रहा है और डांस करते हुए गाने के अंदर भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग करके रानी कमलापति की ओर इंगित कर रहा है। इसको मैं भोपाल का बेटा हूं बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं सनातनी समाज का अपमान है, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल ही मैंने भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी से चर्चा हुई है। चर्चा करने के बाद तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लिया और जो मुझे पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है कि वो लड़का को पकड़ लिया गया है। भोपाल के गौरवपूर्ण इतिहास का एक अभिन्न अंग है उनकी प्रतिमा, जो कि श्यामलाही थाने के अंतर्गत स्थापित है। उस जगह पर किसी अज्ञात युवक के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। उस अश्लील वीडियो को लेकर के अभी माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुछ संदिग्ध युवक को चिन्हित भी किया गया है। आने वाले कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।